अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि डियर आर्यन साहब सब खैरियत से होंगे। अभी अभी वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद साहब का बयान जारी हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर आप पर फ़र्ज़ बनता है कि आप सर कासिम की एजुकेशन स्टूडियो कासिम की टीके को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट एजुकेशन न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी, खबर यह है कि अगर हालात इतने संजीदा नहीं हैं कि हम ऐसे हालात में एग्जाम मुलतवी या कैंसिल करें, अगर एनसीओसी 27 जुलाई को बिलफर्ज तकदीर कही भी तो एग्ज़ाम सिर्फ मुलतवी हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता। लिहाजा तमाम स्टूडेंट के खिदमत में दरख्वास्त हैं कि वो अपने स्टडी पर तवज्जो दे, अपने मुताले को जारी रखे। हुकूमत ने हर हाल में इम्तिहान लेने की टाल ली है। मिलते हैं, अगर ऐसी कोई नई अपडेट हो तो हम लाजम